इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड वास्तु टिप्स एंड टॉक्स में। फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है वास्तु टिप्स एंड टॉक्स, उसमें अगर आपको ज्वाइंट होना है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी आपकी कोई भी वास्तु संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो खाली उसका टॉपिक हमें सेंड कर दीजिए, हम उसके बारे में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो है एक्वेरियम। हमारे किसी व्यूअर्स ने कहा था सर जी आपने एक्वेरियम के बारे में तो कुछ हमें बताया नहीं, आपने एवेरोना फिश के बारे में बताया था। फ्रेंड्स मेरा एक और वीडियो है एरोना फिश, वो भी आप अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां जाके आप उसको सर्च कीजिए, लिंक ओपन कीजिए और वो वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स अब आज की जो हम बात करेंगे वो है एक्वेरियम के बारे में। फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी यूट्यूब में वीडियो बनी हुई है कि हम एक्वेरियम कहाँ पे रखें, आज मैं आपको उसकी चंद बातें डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। आप एक नोट डाउन कर लेना, एक नोट और पेन ले लेने का, क्योंकि हम जब भी ये वास्तु टिप्स एंड टॉक्स प्रोग्राम देते हैं तो मेरी वीडियो तो आपके पास स्टोर रहेगी, पर अगर आप कुछ पॉइंट लिख भी लोगे ना तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो अब हम बात करेंगे एक्वेरियम कहाँ पे रखने का। फ्रेंड्स एक्वेरियम रखने की वैसे तो वास्तु के अंदर दो ही स्थान है, एक उचित है और थोड़ा एक मीडियम है। अगर हम बात करेंगे वास्तु यानी क्या, वास्तु यानी आप, मैं वास्तु जो शब्द बोल रहा हूँ बार बार मैं कह रहा हूँ, वो आपका घर भी हो सकता है, आपकी शॉप भी हो सकती है, आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, आप जिस माध्यम से उसको समझ सकते हो समझ लेना। फ्रेंड्स अब एक्वेरियम रखने के लिए हमारे वास्तु का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व ईशान कोण, या फिर ईशान कोण में उत्तर दिशा, या ईशान कोण में पूर्व दिशा। आप ये शक्ति चक्र को देख सकते हो, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपका पूरा एक वास्तु है, ये 360 डिग्री पे पूरा वास्तु है, यानी इसमें 16 डायरेक्शन है, 16 जोन है, 16 क्षेत्र है। अब हमको एक्वेरियम कहाँ रखना है, तो अब नॉर्थ वेस्ट से लेके एक नॉर्थ, दो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तीन नॉर्थ ईस्ट यानी चार, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पाँच, एक दो तीन चार पाँच, आपके वास्तु के ये पाँच क्षेत्र के अंदर आप एक्वेरियम रख सकते हो। और कोई क्षेत्र में आपको एक्वेरियम रखने की अभी जरूरत नहीं है, यही क्षेत्र आपको उत्तम गिना जाता है वास्तु के अंदर। वैसे तो अग्नि कोण के अंदर भी हम एक्वेरियम रखते हैं, पर वहाँ क्या होता है, मेरी जो नॉलेज है, मेरे जो स्टडी की है कि अग्नि कोण में आप थोड़ा भी पानी भरा हुआ कोई भी पात्र रखोगे तो उधर वास्तु दोष बनता है, इसलिए मैं ये स्थान को उचित नहीं गिनता। मैं खाली अगर स्थान को उचित गिनता हूँ तो ये चार क्षेत्र है वास्तु के अंदर वही उचित गिनता हूँ, यानी वास्तु के हिसाब से आपको आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर एक्वेरियम रखना है तो ये चार ही स्थान पे एक्वेरियम रखना, और कोई स्थान पे एक्वेरियम मत रखना। फ्रेंड्स अब आप एक्वेरियम में आपको क्या क्या करना है, अब एक्वेरियम में आपको क्या करना है कि आपको नौ नंबर यानी नौ प्रकार की मछलियां रखनी है। उसमें एक आएगी मछली, वो आएगी ब्लैक कलर की, और बाकी की जो आठ मछली आएगी वो आएगी गोल्डन। यानी जो ब्लैक कलर की मछली है वो आपके घर के अंदर किसी का भी नजर दोष हो या कोई भी आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र नजर दोष करता है, उसकी सुरक्षा के लिए, उससे सेफ्टी के लिए, यानी कहने का मतलब है ब्लैक मछली जो वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल रहेगी। उसी तरह जो आठ गोल्डन फिश है वो आपके सौभाग्य का प्रतीक है, यानी आठ गोल्डन फिश आपके घर के अंदर सौभाग्य, धन समृद्धि, पैसा, सफलता, प्रमोशंस, प्यार मोहब्बत, अच्छे दिन, बीमारी से निरोगी जीवन, इस तरह की जो भी आपकी शुभ शुभ ऊर्जा है, शुभ सिचुएशन है, आपके घर के अंदर हमेशा सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आठ जो अपनी आठ मछली है गोल्डन कलर की वो अपने को सहायक बनती है। यानी कहने का मतलब है अगर आप आपके घर के अंदर फिश टैंक में मछली रखना चाहते हो तो एक ब्लैक रखिए जो नजर रक्षा हेतु का प्रतीक है, और आठ गोल्डन रखिए जो सौभाग्य का प्रतीक है, यानी कुल मिला के नौ मछलियाँ रखिए। और अंदर आप कलरिंग स्टोन भी रख सकते हो, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर,
ये कलर के आप मैक्सिमम स्टोन रखिए, क्योंकि जो मैंने दिशाएं बता रखी, जो क्षेत्र बता रखे वास्तु के अंदर, वहां के ये कलर है, यानी वो कलर के स्टोन आप रखोगे तो उससे क्या हुआ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। एक एक्वेरियम भी आपके घर का वास्तु दोष को दूर करता है। मत्स्य पुराण के अंदर मछली को यानी फिश को देवीय रूप का है। जिस व्यक्ति ने फिश को सच्चे दिल से प्रार्थना की है, पूजा की है, श्रद्धा पूर्वक उसकी अपने घर में स्थापना की है, तो मछली आपके हर संकट अपने पे ले लेती है, यानी कोई भी जात की प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में नहीं आएगी। मछली एक्वेरियम यानी मछली बॉक्स को घर में रखने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, सुख शांति और समृद्धि रहती है। उसके बारे में क्या कहा जाता है कि मछली कभी सोती नहीं है, इसी तरह आपका भाग्य हमेशा एक्टिव रहता है। कई बार हमें ऐसी कंप्लेन करते थे, यार मैं तो रह गया, मुझे तो ये जॉब मिलने वाली थी, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज है, मात्र 1% से मेरी जॉब चली गई, अरे मुझे तो ये ऑर्डर फाइनल था पर मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं लेट पड़ा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो हमारे लाइफ के अंदर एवरीडे बनती है, बिजनेस से ले लो, जॉब से ले लो या स्टडी में ले लो, तो वो जो घटनाक्रम है उसके निवारण हेतु भी आप एक एक्वेरियम आपके घर के अंदर स्थापित कर दीजिए। मैंने इस वीडियो में प्रॉपरली बता रखा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो भी आप मेरे जो वीडियो के अंदर जो मोबाइल से मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और आप इस वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मुझसे फेस टू फेस ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरे ये चैनल आपको कुछ हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वंदे मातरम, टेक केयर।